हाय एवरीवन, आखिरी का एक दिन, आखिरी के 24 आवर्स टू गिव अ फाइनल टच, टू गिव अ फिनिशिंग टच टू ऑल द पास्ट मंथ्स हार्ड एफर्ट्स. कैन यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लास्ट 24 आवर्स? इसका मतलब ये है कि 30 तारीख तक, नॉट ओनली जस्ट टुमारोज एग्जाम, 30 तारीख तक हर पल सिर्फ अपने साथ स्पेंड करना है, राइट? इस वीडियो में मैं एग्जाम एटिकेट्स की बात करूंगी, मोटिवेशन के साथ साथ हर उन कैटेगरी के बच्चों को यू नो थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी, जो या तो 100% एक्साइटेड हैं, उनको तो क्या ही मोटिवेट करना, जो नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट के साथ हैं, या फिर जो बहुत अभी भी फियर के कैटेगरी में हैं, राइट? एंड एज आई सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, कुछ एग्जाम एटिकेट्स, क्योंकि तुम्हारा हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो, आपको नहीं पता है किस माइंड फ्रेमवर्क से जाना है, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, कब जाना है. शुरू करते हैं. एंड वन मोर थिंग, आज ही वीडियो आएगा 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को यूज करने का, हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट ऑफ योर रीडिंग टाइम. अभी बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू नहीं करना है उन्हें, वो एनीवे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा. आइए अब शुरू करते हैं. दोस्तों पता है हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि जब शो टाइम आता है ना, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली, पता नहीं भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि हमारा दिमाग उस 5%, उस 10% नेगेटिविटी पे चला जाता है जो शायद अनटच्ड है. फॉर एग्जांपल, एक एवरेज स्टूडेंट ने, जिसने जो सिंसियर था सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसने मुझसे पढ़ा या फिर कहीं से भी पढ़ा, जो डे वन से सिंसियर था या फिर बीच में कभी सिंसियर हुआ, उसने मेहनत की होगी, पूरी मेहनत की होगी, एड़ी चोटी का दम लगाया होगा, नोट्स बनाने में, लेक्चर्स करने में, रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में किया होगा. लेकिन हो सकता है कि आप 100% तक नहीं पहुंच पाए. आपका टारगेट रहा होगा 100% रीच करने का, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए. शायद आप 80, 85, 90% के आसपास में अटके हुए हो. अब आखिरी दिन होता क्या है ना कि हमारा दिमाग बार बार वहां जाता है, होता है इनहेरेंटली, हमारा दिमाग उस टॉपिक पे जाता है, यार इसमें से ना आ जाए, ये तो नहीं हुआ था. आप ये सोचो कि हमें सीए फाउंडेशन में, रैंक तो है नहीं, सीए फाउंडेशन में हमको 50% मार्क्स चाहिए. अगर आपकी प्रिपरेशन 80% है और उस 80% को आप कॉन्फिडेंटली लिख करके आते हो, उस 80% को आप मैसअप नहीं करके आते हो, उस 80% को आप अच्छे से लिख करके आते हो, तो आप तो वैसे ही पास हो यार. ऐसे सोचो ना, कौन सा बच्चा है अभी तक जिसका 100 में 100 नंबर आया है, जिसका 400 में 400 नंबर आया है? नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर्ड लेस होगा ना. दिस इज द लॉजिक. किसी बच्चे का 400 में 400 नहीं आया, दिस मीन्स आप इकलौते नहीं हो, सबके साथ ऐसा हुआ है. हर बच्चे का कुछ ना कुछ टॉपिक जो है बचा रह जाता होगा, राइट? तो यहाँ पे लक तो काम करती ही है, बट लक से बहुत ज्यादा आपका आखिरी दिन में जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो काम करता है. सो नंबर 1, नई चीज पिकअप मत करना, प्लीज नई चीज पिकअप मत करना. आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सोच रहे होंगे ना, इवनिंग तक मैं अपना पूरा रिविजन कर लूंगा, उसके बाद मैं नई चीज पिकअप करूंगा. दिस इज द मोस्ट हैजार्डस, मोस्ट फैटल थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ, क्योंकि तुम उस वक्त भी परेशान होगे, तुम उस वक्त गिल्ट में होगे, मैंने पहले क्यों नहीं किया. सो नंबर 1 इज डू नॉट क्रिंज अबाउट, डू नॉट थिंक ओनली अबाउट वॉट इज लेफ्ट. हर इंसान का रैंकर का भी कुछ ना कुछ जो है छूट जाता है आखिरी वक्त में रिवाइज करने को या फिर पढ़ने को. हमें 100% अटेंशन देना है नंबर 2 ऑन द टॉपिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसको जितना हो सके रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करो, मेमोराइज करो, राइट? थर्ड इज, तुम लोगों ने मार्क किए होंगे क्वेश्चंस, मेरे से पढ़ा हुआ है तो मैं मार्क करा देती क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि यू नो बहुत ही टफ आपको लग रहे हैं और आपको जो है उसको लास्ट मोमेंट पे उसके एडजस्टमेंट्स देखने चाहिए, राइट? ये दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड डू इन द लास्ट 24 आवर्स. चौथा, आखिरी के जो 30 तारीख तक का टाइम है, मैंने कहा सिर्फ अपने साथ स्पेंड करना है, बिल्कुल दूसरों से बात नहीं करनी है. पांचवा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दूसरे, लेट मी टेल यू, कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं कि उनका प्योर इंटेंशन होता है दूसरों का कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना, दूसरों को सहानुभूति तो नहीं देना, दूसरों के कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना. मैं ऐसे दोस्ती में पड़ चुकी हूँ. आखिरी मोमेंट पे ये बोलना मेरा सब कुछ हो गया है, मेरा सब कुछ हो गया है, ऐसे लोगों से अगर आप मिलोगे तो आप ऑटोमेटिकली हताश हो जाओगे, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट करने का, राइट? टिल 30th एकदम बॉयकॉट करने का. अच्छा, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपके एग्जाम स्पेसिफिक थी, आपके माइंड स्पेसिफिक थी. अब आइए बात करते हैं कि मैम हमें जो है एग्जाम सेंटर के बारे में बताओ. हमें टेंशन हो रही है कि एग्जाम सेंटर नया है, क्या हम पहले जाकर के देख लें? कुछ बच्चे पहले जाकर के देख लेते हैं, ऐसा मत करो. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम सेंटर दूर है, बहुत पास में है और लगता है कि आधे घंटे में वापस आ जाओगे तो कर सकते हो. मैंने एक बार किया है, बट इट्स ऑफ नो यूज. तो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ. एग्जाम सेंटर पहले मत जाओ, मतलब आज मत जाओ,
जब कल तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम्हारा एग्जाम कब खत्म शुरू हो रहा है? योर एग्जाम्स आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टू, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू फाइव, इट इज एट 1:45 शार्प. आपको पता होगा 1:45 पे आपको आपकी शीट मिल जाती है, आपका प्रश्न पत्र, आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, राइट? तो इसका मतलब मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को अपने माइंड को फोकस रखने के लिए, वैसे भी मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में गर्मी पड़ रही है, बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, राइट? तो बहुत पहले तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत पहले जाओ वहां पे जाकर के बैठ जाओ और अपना जो है ट्रैफिक वाला टाइम जो, मतलब कहने का मतलब बहुत जल्दी नहीं जाना है वहां पे. मेरे ख्याल से आपको 1:45 से जस्ट 30 मिनट्स पहले आपको ऐसा स्केड्यूल करना है कि मुझे 1:45 से जस्ट 20 या 30 मिनट्स पहले मुझे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, राइट? दिस मीन्स 1:15 पे इज एन आइडियल टाइम टू रीच योर सेंटर. 1:15 PM is an ideal time to reach your center. Now, a back calculation कर लो कि कितना किलोमीटर्स दूर है तुमको 1:15 पे वहां पे पहुंचने के लिए कितना टाइम करना है, राइट? मैम 1:15 बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा भैया? जो पहला दिन होता है उसमें मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि 1:15 पे आपको पहुंच जाना चाहिए. आपको चीजें पता चल जाएंगी यार कि जो है किस फ्लोर पे पड़ा हुआ है, सेंटर कभी कभी नहीं मिलता है, किसी कैंपस में होता है तो उसमें सेंटर नहीं मिलती है, बिल्डिंग नहीं मिलती है, एटसेट्रा. सो फर्स्ट डे 1:15 इज एन आइडियल टाइम, राइट? अब पैनिक ना करना, कैसे उसकी बात करूंगी. अब बात करते हैं कुछ चीजों की कि भैया एग्जाम टाइम में क्या क्या चीजें लेकर के जानी है. आज के डेट में कुछ चीजें लिख लो, साथ साथ में लिख लो. देखो भाई, सबसे पहले कोरोना का टाइम चल रहा है, गर्मी का भी टाइम चल रहा है, कीप अ वाटर बॉटल विद यू. कीप जितना आपका कंजम्पशन होता है, बहुत ज्यादा पानी मत पीना वरना बार बार वॉशरूम भागोगे. जितना पानी आपको नेसेसरी है आपके फियर को सबसाइड करने के लिए, आपको यू नो आपके हार्ट बीट को यू नो वापस से ठीक नॉर्मल पर आने के लिए, उतना पानी एक लीटर बॉटल या फिर 1.5 लीटर्स की बॉटल जो है अपने साथ कैरी करना. पानी कहीं और का मत पीना, नंबर वन. नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा से बताते आई हूँ कि भाई बहुत हैवी लंच लेकर के मत जाना, बहुत हैवी लंच लेकर के मत जाना. अगर अकेले रहते हो या फिर मम्मी पापा के साथ रहते हो, पेरेंट्स को बता दो या फिर खुद अरेंज कर लो कि तुम 12 बजे के आसपास एक हैवी लंच कर लो या फिर 11 बजे के आसपास हैवी लंच कर लो, जिससे कि तुमको भूख ना लगे 5 बजे तक. यू कैन कीप स्नैक्स विद योरसेल्फ, जिससे कि तुम एग्जाम सेंटर में रूम में जाने से पहले एक यू नो क्लब सैंडविच हो गया या फिर समथिंग लाइक दैट, तुम हल्का फुल्का खा लो, राइट? सो बॉटल लेकर के जाना है, लंच हैवी. एग्जैक्टली पहले मम्मी लोग की आदत होती है कि भर पेट खाना खिला देती है, वो यार नींद आ जाती है, राइट? अच्छा, एडमिट कार्ड बच्चे पूछ रहे हैं मैम कितना, तो सबको पता चल चुका होगा कि एडमिट कार्ड के साथ साथ एडमिट कार्ड जो है आपको 2 पेजेस प्रिंट आउट करवाने हैं. भाई अभी तक नहीं करवाया है तो प्लीज़ किसी अपने भाई बहन या फिर मम्मी पापा को भेज करके प्लीज़ एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो. लास्ट मोमेंट के लिए इसको मत रखो. लास्ट मोमेंट में जितनी सरदर्दी हो उतना हटाओ, सरदर्दी को कम से कम करो. तो प्रिंट आउट 2 पेजेस के होते हैं. फर्स्ट में आपकी डिटेल्स होती हैं, सेकेंड पेज में जो है स्केड्यूल होता है जहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करता है, टेबल बना होता है. तो मैं तो कहती हूँ कि 2 प्रिंटआउट्स रखो अपने पास, यानी कि जो 2 पेजेस हैं उसकी 2 कॉपीज रखो. एक को अपनी मेन कॉपी बनाओ जिसको आप रोज लेकर के जाओगे. बाय चांस उस एडमिट कार्ड को कुछ हो जाता है, भगवान ना करे वो भीग जाता है बारिश से, फट जाता है, अचानक से खो जाता है, वैसे भी रेस्टलेस होते हैं हम लोग, तो आपके पास एक और एडमिट कार्ड आपकी कॉपी में, उस आपके बैग में होना चाहिए, राइट? वैसे तो इन्विजिलेटर का साइन जिसपे होता है फर्स्ट सेकेंड पेपर पे, वही एलिजिबल माना जाता है फॉर ऑल दी पेपर्स, बट कीप अ कॉपी विद योरसेल्फ सो 2 एडमिट कार्ड्स. नेक्स्ट अकाउंट्स का पेपर है, आपका जो कैलकुलेटर है. मैं अगेन कहूंगी कैलकुलेटर में, हमेशा से कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कैलकुलेटर 2 लेकर के जाना. अक्सर मैंने देखा है लोगों का ऐसा कैलकुलेटर जो पूरे साल काम करता है वो एग्जाम के दिन आकर के बंद हो जाता है, राइट? तो सेम कैलकुलेटर अपना 2 लेकर के जाओ. नहीं है तो फ्रीक आउट मत हो, कुछ सोचा ही होगा आपने. मैं हमेशा 2 लेकर के जाती थी, काम भी आता था वो, राइट? दूसरों को हेल्प नहीं करनी है आज, सोशल सर्विस बिल्कुल नहीं करनी है आज. जो है पेन नहीं बांटना है, इरेजर नहीं बांटना है, पेंसिल नहीं बांटना है. मैंने कहा ना, एक एक सेकेंड 30 तारीख तक इंपॉर्टेंट है. वहां पे ये मत सोचना कि अरे मेरे पास 2 पेन है, सामने वाला मांग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है तो दे दो, बट आई थिंक यू शुड कीप इट फॉर योरसेल्फ, राइट? तो 2 एडमिट कार्ड्स, वाटर बॉटल, लाइट स्नैक्स. स्नैक्स बीच में नहीं खाना है. अगर इनकेस भूख लगती है, 11 बजे का लंच किया हुआ है तो मेरे ख्याल से सेंटर में जस्ट एंटर करने के पहले तुम थोड़ा सा खा सकते हो. वाटर बॉटल हो गया, 2 एडमिट कार्ड कॉपी हो गई, 2 कैलकुलेटर हो गया. लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन अदर स्टेशनरी.
बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि जो पेन पे और पेंसिल स्केल होता है ना उसको यूं ही ले जाते हैं ऐसा लूज सा, वो भैया चितर बितर हो जाता है। आपके पास छोटी सी बेंच होती है, कुछ सेंटर्स में लंबी बेंच नहीं होती है, छोटी बेंच होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक मेरे ख्याल से एक बॉक्स रखना, आइडियली तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है ना वो ज़्यादा सही होता है, तुरंत तुरंत दिख जाता है क्या चाहिए। तो आपको क्या क्या रखना है, आपको जो भी ब्लैक पेन, मल्टीपल कलर पेन नहीं, ब्लैक पेन, बॉल पेन रखना है, राइट। बॉल पेन किस लिए, ऑफकोर्स उससे लिखोगे, जिस बॉल पेन से अभी तक लिख रहे हो उसी से करना, क्योंकि आपको पता है नया पेन खरीदते हैं जब, सुन लो इस बात को, मैं ना इसकी क्या बोलते हैं, मैं इसकी विक्टिम बहुत बार हो चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ मैं सब कुछ नया लेकर के जाऊंगी, बट जो नया पेन होता है ना वो उतनी स्मूथली नहीं चलता है, जो हल्का हुआ लिखा हुआ यूज्ड पेन होता है ना वो बहुत सही चलता है। तो आपने एक ही जैसा बॉल पेन तीन चार जो है लेकर के जाना है, ठीक है, एटलीस्ट दो दो तो लेकर के जाना ही है। तो बॉल पेन हो गया, उसके बाद पेंसिल हो गई। पेंसिल किस लिए, पेंसिल इसलिए कि मैं जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का आपको अभी ट्यूटोरियल दूंगी कि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम कैसे यूज़ करना है, उसमें पेंसिल का बहुत ज़्यादा रोल है। और हाँ, कभी कभी रफ मैप्स बनाने के लिए, कुछ याद करने के लिए भी पेंसिल का रोल है। तो पेंसिल, पेंसिल आएगी तो पेंसिल के साथ इरेजर। अब यहाँ पे याद रखना, मैं बता दूँ साथ साथ में कि जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सब्जेक्टिव पेपर है आज 3 घंटे का, जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो बिल्कुल भी तुमको बार बार पेन, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद स्केल, ये काम नहीं करना है, राइट। तुमको ट्रांजिशन नहीं करना है, कभी ब्लैक पेन कभी पेंसिल। तुम्हें हाईलाइट भी करना है, बुलेट भी ड्रॉ करना है, तुम्हें स्केल से लाइन भी खींचनी है, तो वो पेन से ही होना चाहिए। तो कोशिश करना लीक प्रूफ पेन हो, वरना जनरली जो बहुत ही सस्ते पेन होते हैं बॉल पेन, उसको अगर हम स्केल से खींचते हैं तो वो लीक होने लगते हैं, राइट। तो वो ध्यान देना। और हाँ, नया पेन नहीं, राइट। तो पेंसिल हो गई, जब पेंसिल हुई तो इरेजर हुई, और ऑफकोर्स आज आपको बनानी है बैलेंस शीट, यानी कि कल आपको बनानी है बैलेंस शीट, आपको फॉर्मेट्स ड्रॉ करने हैं, तो आपके पास एक लंबी स्केल होनी चाहिए। अभी जो चीजें नहीं हैं उसके लिए फ्रीक आउट मत हो, उसका ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फिगर आउट करो। मैं तो वो बता रही हूँ जो कि आइडियली होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जो ऑप्टिमली आपके पास होना चाहिए। एक हैंडकरचीफ जरूर लेकर के जाना, गर्मी का टाइम है, और आपका जो बैग है, आपका जो छोटा बैग है, वो उसमें आपकी से ज़्यादा बुक्स कॉपीज भर के मत जाना कि सब पढ़ डालना है, कीप इट लेस, राइट। आप जब एग्जाम सेंटर में जाते हो तो डेफिनेटली आपके बैग्स बाहर रखवा दिए जाते हैं, तो आप जब अंदर जाएंगे तो आप लेकर के जाएंगे अपना एक एडमिट कार्ड, अपने दो कैलकुलेटर, अपनी वाटर बॉटल, अपना हैंडकरचीफ और आपका तैयार किया हुआ बॉक्स, उसमें चाहे तो शार्पनर भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, जब OMR की बात होगी, OMR भी हम लोग कैसे क्या करना है वो सब मैं सब ऑब्जेक्टिव पेपर के पहले आपको बता दूंगी, राइट। अब जो है मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट, आई स्पोक अबाउट एग्जाम एटिकेट्स, आपको कितनी जल्दी जाना चाहिए, आपका मेंटल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, वहां पे जाकर के दोस्त यार कुछ मिल जाते हैं उनसे बात मत करना, उनसे डिस्कशन करने मत बैठ जाना, वरना वो ना बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, जब पता चलता है। हम सब की आदत होती है वहाँ पे एग्जाम सेंटर में गए, वहाँ पे कोई भी नया बच्चा मिला, हमारा मतलब पुराना दोस्त बहुत टाइम बाद मिला, हमने पूछा शुरू कर दिया, यार तूने ये किया क्या, तूने ये XYZ चैप्टर किया क्या, उसने बोल दिया हाँ किया, मैंने तो बहुत अच्छे से किया, इसमें तो जरूर आएगा, बस वहीं पर हमारा आधा जो डर है वो जो सबसाइड हुआ था वो वापस से निकल जाता है। तो ये सब छोटी मोटी स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो कि अप्लाई करनी है, अपने आप को साधु महात्मा बना लो, बिल्कुल दुनिया से परे हो जाओ 30 तारीख तक, राइट। नाउ अगेन, स्टिल इफ यू आर फीलिंग एफ्रेड, लेट मी टेल यू ऑल, लाइफ में कुछ भी करने जाओगे, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया इवेंट में जाओगे, कुछ नया यू नो एग्जाम दोगे, कुछ भी नया करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अगर एग्जाम है तो डर आएगा, डर सबके साथ होता है, पर हमें क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे हमें फोकस करना है अपनी उस पास्ट मेहनत पे जो कि हम लोगों ने पिछले 6 महीने 7 महीने 4 महीने 5 महीने से की हुई है। जब आप जो है अपने आप को वर्थ इट समझने लगते हो, फियर कब आता है, फियर तब आता है जब हम अपने आप को वर्थ इट नहीं समझते, अपनी प्रेपरेशन को वर्थ इट नहीं समझते। जब तुम ये सोचोगे कि यार ठीक है मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई होंगी 5-10%, लेकिन मैंने मेहनत भी बहुत की है, समझ रहे हो, जो बच्चे लास्ट तक आए हैं ये रामबाण है कि तुमने मेहनत भी बहुत की हुई है, अगर तुम अपना पूरा दिमाग 30 तारीख तक उस मेहनत पे डालोगे, पास्ट एफर्ट्स पे डालोगे, तो तुम्हारा फियर काफ़ी हद तक कम होने लगेगा। तो वी डू नॉट हैव टू यू नो प्रैक्टिस, वी डू नॉट हैव टू हमें एक फियर के माइंडसेट से काम नहीं करना है, फियर को जितना हो सके फियर को सबसाइड रखना है, और हमें अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी वर्थ को इंक्रीज करना है, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ टॉक जो है पॉजिटिव रखनी है, सब कुछ बेहतरीन होगा।
और जो है ये जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं आपको मिल जाते हैं आपके साथ, आप सब्जेक्टिव पेपर्स वापस से लेकर के आ सकते हो। आप जो है ऑब्जेक्टिव पेपर्स नहीं लेके आते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर्स वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है एग्जामिनर्स ले लेते हैं। और पेपर पे कुछ मत लिखना, 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें, तो खैर मैं बता दूंगी, 15 मिनट रीडिंग टाइम में सिर्फ पढ़ना, उसमें कुछ पेपर में लिखना मत, पेपर कैंसिल हो जाता है। चीटिंग जैसी चीज़ें मत करना भाई, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है अगल बगल चीटिंग का सीन बन रहा हो और तुमको कुछ नहीं आता हो, फिर भी मत करना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, पास होने वाले बच्चे भी एक आधे नंबर के लिए, पांच नंबर के लिए चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका पेपर कैंसिल हो जाता है। ये सीए है, ये बीकॉम नहीं है जहां पे आपकी ट्रिक्स काम आएंगी। और पहले से प्लीज़ कोई भी चीटिंग की ट्रिक्स जो है लगा करके मत जाना, कुछ भी मत जाना, ऑनेस्टली पेपर दो, 80% 90% जो भी प्रिपेयर्ड है उसके ऊपर फोकस्ड रहो और पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, आई विश बेस्ट ऑफ लक, आई विश द बेस्ट फॉर यू ऑल, ऑल द बेस्ट। और कोई अगर दूसरी प्रॉब्लम है तो ज़रूर नीचे जो है कमेंट सेक्शन में डाल दो। इंस्टाग्राम पे भी मैं आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, यू कैन मैसेज मी देयर एज वेल, बट कोशिश करो सोशल मीडिया से दूर रहो और बस जो बताया उस पर फोकस रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।